हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, आज आप लोग का हिंदी का क्लास था ना, लेकिन आज हिंदी का क्लास नहीं हो पाएगा। तो हिंदी का क्लास आज की जगह पे, फ्राइडे की जगह पे संडे को एक्स्ट्रा क्लास चलेगा, ठीक है बच्चों? ये देखिए, ये आज हम मॉर्निंग ओरल में पढ़ेंगे इन्वेंशन। ओके, तो इन्वेंशन में ये आपको लर्न भी करना है और इसको आपको CW कॉपी में लिखना है। लिखने के लिए अब आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपका पहले इसे वीडियो से केवल आपको यहाँ से समझना है। लिखने के लिए हम इसकी पिक्स भेज देंगे वीडियो के ठीक नीचे, हर वीडियो के ठीक नीचे। जैसे चाहे आप साइंस पढ़ रहे हों, चाहे SST पढ़ रहे हों, चाहे मैथ्स पढ़ रहे हों, या इंग्लिश पढ़ रहे हों, या मॉर्निंग ओरल हो हमारा, जब हम आपको पढ़ाएंगे ये चीज़, तो सिर्फ आपको वीडियो से पढ़ना है। उसके बाद इसका लिखने के लिए, रिटेन वर्क के लिए आपको इसके नीचे इसका पिक्स मिल जाएगा, ठीक है बच्चों? तो हमारा यहाँ से पहला यहाँ पर क्या है, हमको क्या पढ़ना है? इन्वेंशन, ठीक है बच्चों? इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब इन चीज़ों का आविष्कार किसने किया, ठीक है? तो इन्वेंशन है यानी कि आविष्कार। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज़, ठीक है? जिन जो बच्चे लिख चुके हैं वो नहीं लिखेंगे, और जो नहीं लिखेंगे लिख चुके हैं उनको ये CW कॉपी में लिखना है। तो हमारा फर्स्ट है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का डिस्कवर किसने किया, इन्वेंशन किसने किया? गैलीलियो। टेलीस्कोप, गैलीलियो। टेलीफोन, ग्रैहम बेल। टेलीविज़न, जॉन एल बैड, ठीक है, जॉन एल बैड। एरोप्लेन, रॉइट ब्रदर्स। एरोप्लेन, रॉइट ब्रदर्स। फाउंटेन पेन, वाटरमैन। फाउंटेन पेन, वाटरमैन। थर्मामीटर, फॉरेनहाइट। थर्मामीटर, फॉरेनहाइट। रेडियो, जी मार्कोनी। रेडियो, जी मार्कोनी। सेविंग मशीन, होव। सेविंग मशीन, होव। बाईसाइकिल, मैकमिलन। बाईसाइकिल, मैकमिलन। तो ये हमारा पुराना इन्वेंशन है जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास में। वापस एक बार देख लीजिए, टेलीस्कोप गैलीलियो, टेलीफोन ग्रैहम बेल, टेलीविज़न जॉन एल बर्ड, एरोप्लेन रॉयट ब्रदर्स, फाउंटेन पेन वाटरमैन, थर्मामीटर फॉरेनहाइट, रेडियो जी मार्कोनी, सेविंग मशीन हो, और बाईसाइकिल मैकमिलन, ठीक है? ये चीज़ें आपको अपनी CW कॉपी में लिखनी है। और कौन सी CW कॉपी है हमारी? मॉर्निंग ओरल की CW कॉपी, ठीक है? सभी बच्चों के पास मॉर्निंग ओरल की CW कॉपी होती है, और सब बच्चों को मैं मॉर्निंग ओरल एक साथ ही कराती हूँ। छोटे बच्चे, अब इसमें से टीचर्स बताते हैं उनको कि इनमें से क्या लर्न करना है और क्या छोड़ना है, और बड़े बच्चों को ये पूरा ही एक साथ लर्न करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला, फर्स्ट टॉपिक। अब न्यू आपको इसमें और करना है। देखिए, ये जो मैं आपको अब कराती, ठीक है, स्कूल ओपन होने के बाद अब ये सारी चीज़ें मैं आपको लर्न कराऊंगी। देखिए, रेल इंजन। रेल इंजन का डिस्कवर किसने किया? रेल इंजन समझते हैं ना, जो ट्रेन होती है उसमें जो आगे इंजन लगा होता है, ठीक है, उनको, उसका डिस्कवर किसने किया या इन्वेंशन किसने किया? किसने किया? जॉर्ज स्टेफेंसन ने। स्टीम इंजन यानी कि जो भाप इंजन होता है उसका डिस्कवर किसने किया? जेम्स वॉट, ठीक है, जेम्स वॉट ने डिस्कवर किया है। जेम्स वॉट, स्टीम इंजन, जेम्स वॉट। कंप्यूटर, जो आप लोग कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर चलाते हो ना, उस कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया था? चार्ल्स बैबेज, ठीक है ना, चार्ल्स बैबेज ने। बल्ब, जो हमारे घर में जो बल्ब जलता है उसका डिस्कवर किसने किया? थॉमस एल्वा एडिशन ने, थॉमस एल्वा एडिशन। कार, जब कार में आप चलते हो उस कार का इन्वेंशन किसने किया था? कार्ल बेंज ने, ठीक है, कार्ल बेंज। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस होता है ना बच्चों, इसका डिस्कवर किया जोहनर गुटेनबर्ग ने, ठीक है ना, जोहनर गुटेनबर्ग। कौन है? प्रिंटिंग प्रेस। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेट करते हैं ना, बड़े बड़े कैलकुलेशन हो, बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर का डिस्कवर किसने किया? ब्लेस पास्कल ने, ब्लेस पास्कल। डायनामाइट, डायनामाइट जो होता है
इसका डिस्कवर किसने किया, ये क्या है एक तरीके से, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है, ठीक है ना, फटने वाला मटेरियल, डायनामाइट। इसका डिस्कवर किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। बहुत ही एक अच्छे ये साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया था डायनामाइट का डीएनए। डीएनए क्या होता है, जो मदर और फादर के कैरेक्टर को बच्चों में ले जाता है उसको हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए का डिस्कवर किसने किया, वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक। ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा ना, बताते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ये है, ठीक है, सबका अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, जैसे किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का बी नेगेटिव होता है, किसी का ओ होता है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में हमको किसने बताया, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड सर्कुलेशन, हमारी किस तरीके से हार्ट जो होता है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में, इसके बारे में हमको किसने बताया, विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप होता है जिससे हम छोटी चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं, उसका डिस्कवर किसने किया, जकारिया जेंसन। ये मैंने यहाँ पर आपको हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है, क्या नाम है, जकारिया जेंसन, जकारिया जेंसन ने, ठीक है बच्चों। तो ये नया है, जो कि अब स्कूल ओपन होता तो मैं आपको यहाँ से पढ़ाती बच्चों। ये नेक्स्ट हमारा है इंडियन डांसेस, है ना, मतलब इंडिया में कितने प्रकार के डांस होते हैं, डांस फॉर्म जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इंडियन डांसेस। देखिए फर्स्ट हम पढ़ेंगे कथकली, कथकली डांस कहाँ होता है, केरला। दूसरा है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी डांस कहाँ किया जाता है, आंध्र प्रदेश का ये फेमस डांस होता है। भांगड़ा, ठीक है, भांगड़ा कहाँ का डांस होता है, पंजाब। गरबा गुजरात, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसी उड़ीसा, ठीक है बच्चों। ये डांस फॉर्म हमको लर्न करना है, आपसे पूछा जाएगा कथकली कहाँ का डांस है, आपको क्या बोलना है, केरला का। कुचिपुड़ी कहाँ का ये डांस फॉर्म है, फेमस डांस फॉर्म, बोलेंगे आंध्र प्रदेश का। भांगड़ा पंजाब का, गरबा गुजरात का, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसी उड़ीसा, ठीक है बच्चों। बच्चों अब हमारा ये है कुछ फेमस प्लेस, कुछ ऐसी जगह जो बहुत क्या चीज़ है और वो कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्या है, ताजमहल। ताजमहल कहाँ है, ठीक है, उसकी प्लेस यानी कि जगह कहाँ पाया जाता है ताजमहल, आप कहाँ जाओगे देखने के लिए, तो हम आंसर देंगे आगरा, रेड फोर्ट दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद, हवा महल जयपुर। जब हम लोग जयपुर पिकनिक गए थे तो आपने देखा था ना, हवा महल जयपुर। हाईएस्ट टावर इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा टावर कौन सा है, कुतुब मीनार, ठीक है। ताजमहल आगरा, रेड फोर्ट दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद, हवा महल जयपुर, हाईएस्ट टावर इन इंडिया कुतुब मीनार। नेक्स्ट है बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद। गोल्डन टेंपल कहाँ मिलेगा हमको, अमृतसर में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी। बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया जामा मस्जिद, गोल्डन टेंपल अमृतसर, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, ठीक है बच्चों। अब आपको इतना ये सारा मैटर क्या करना है, सारे मैटर को आपको लिख लेना है, ठीक है, सी डब्ल्यू कॉपी में सुंदर राइटिंग में बोल बोल करके आपको लिखना है। और उसके बाद ये आपको वीडियो में केवल आपको यहाँ पर समझने का काम करना है, लिखने के लिए इस ठीक वीडियो के ठीक नीचे आपके पास पिक्स आ जाएंगे, उसी पिक्स से आपको लिखना है, ठीक है। ये एक ही वीडियो में सेंड कर रही हूँ, ये सभी क्लास के लिए 2 से लेकर 8 तक। आप राइटिंग तो सब कर लीजिए, छोटे क्लासेस में इसमें से कुछ हम हटा देंगे सिलेबस से कि ये चीज़ें आप याद करो, और बड़ी क्लासेस को पूरा ही याद करना है, ठीक है। और ये चीज़ें मैं आप लोगों को बोल बोल करके भी याद करवाऊंगी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं और लर्न करना होता है तो वो मैं आप लोगों को मॉर्निंग ओरल में बोल बोल के याद करवाती हूँ। तो वापस स्कूल ओपन होगा तो मैं सबका ओरल जब करवाऊंगी मॉर्निंग में, तो बोल बोल के सबको याद कराऊंगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिएगा सब, हैव नाइस डे।